पिछले दिनों शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा बारा और कोटा जिले में शिक्षकों को निलंबित करने के विरोध में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के बैनर पर शिक्षकों के द्वारा जिला कलेक्टर पर नारेबाजी का विरोध प्रदर्शन किया गया और साथ ही जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पूरे राजस्थान के लेवल पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का जिला हेडक्वार्टर पर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा अंदरगढ़ बयानबाजी करके जिस प्रकार से शिक्षकों में भय पैदा किया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके बजाय धर्म के आधार पर शिक्षकों को टारगेट किया जा रहा है और सेवा नियमों का उल्लंघन करते हुए थर्ड ग्रेड के शिक्षकों को भी बीकानेर पूर्व प्रभाव से निलंबित करके एपीओ करके वहाँ लगाया जा रहा है। इसके विरोध में पूरे राजस्थान में हमारा विरोध है और आज हम इसी के तहत शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन प्रदर्शन करके ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। साथियों, इसी के साथ अभी शिक्षा विभाग के द्वारा महिलाओं को जो छुट्टियाँ मिलती है सीसीएल और जो पीएल मिलती है उस पर रोक लगा दी गई है। संगठन का निवेदन है कि जिन विद्यालयों में बोर्ड सेंटर नहीं है, जिन शिक्षकों की ड्यूटी बोर्ड परीक्षा में नहीं है, उनको ये छुट्टियों दी जाए, इस पर रोक नहीं लगाई जाए। ये हमारे आज के दो ज्ञापन है। नाम बताएं आपका। महावीर मीणा, जिला अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ कोटा।